की शाम 4 बजे करीब सिरोंज के मुगल सराय थाना क्षेत्र के बाबुल खेड़ी ग्राम में दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। सिरोंज एसडीओपी उमेश तिवारी ने बताया कि लोग होली का रंग खेल रहे थे तो दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति पर रंग के छींटे पड़ गए, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ होली खेल रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें होली खेल रहे पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। सिरोंज अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। सुनील ने बताया कि वे होली खेल रहे थे तभी 3 लोगों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया। सुनील के सर में गंभीर चोटें आई हैं, उसे विदिशा रेफर कर दिया है। घटना का पता चलने पर एसडीओपी सिरोंज दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हाँ वो आएंगे, अपन लोग खड़े हैं, मैं रुका हूँ ना, मैं बात करूंगा रुक के यहाँ पे सबसे, जो भी कार्रवाई होनी है विधि जनक कार्रवाई मैं करूंगा यहाँ पे। उसको इलाज के लिए तो ले जाने, उसको मत रोको ना, घायल आदमी को रोकने का आप ले जाने नहीं दे रहे हो, घायल का उपचार नहीं कराने दे रहे हो, तो मैं सुनूंगा ना, मैं गालियां सुनने के लिए खड़ा हूँ, सबकी सुनूंगा। भाई साहब आप ज्यादा नहीं सुन रहे क्योंकि आपके थाना प्रभारी नहीं आया अभी तक। अरे तो मैं आ गया ना, थाना प्रभारी नहीं आया वो मैं देखूंगा, वो मेरा इशू है, थाना प्रभारी नहीं आया मैं हूँ, ठीक है आप ले जा सकते हो, हम आपको उससे बड़ा हूँ ना मैं, थाना प्रभारी से ऊपर मेरे अधिकार है, मैं आ गया हूँ, मैं इलाज कराऊंगा, मुझे कार्रवाई करूंगा। और मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ, गुंडों बदमाशों शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर नियमानुसार कार्रवाई करें।